तो फाइनली बीसीसीआई ने 100% कंफर्म कर दिया है टी20 वर्ल्ड कप 2024 में होने वाले भारतीय टीम। जी हाँ दोस्तों, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही कप्तान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया है। तो कप्तान रोहित शर्मा के साथ साथ विराट कोहली, संजू शर्मा, रिंकू सिंह जैसे कई प्लेयर को मौका मिला है। तो आखिर टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कौन कौन भारतीय 15 खिलाड़ियों को मौका मिला है, आज की इस वीडियो में पूरी भारतीय स्क्वाड बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 2024 में होने वाली टी20 वर्ल्ड कप कब, कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा, और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ टी20 वर्ल्ड कप 2024 में होने वाले भारतीय टीम का पूरी स्क्वाड, क्योंकि बीसीसीआई ने घोषित कर दिया 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम। देखा जाए तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो प्लीज यार बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। बात करें टी20 वर्ल्ड कप 2024 में होने वाले भारतीय स्क्वाड, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ टी20 वर्ल्ड कप 2024 कब, कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा। बात करें 2024 टी20 वर्ल्ड कप की, तो वेस्ट इंडीज और यूएस में खेला जाएगा। वहीं पर कंफर्म डेट की बात करें तो 4 जून से लेकर 30 जून के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2024 खेला जाएगा। आई होप आपने अभी समझ गए होंगे टी20 वर्ल्ड कप कब, कहाँ और कितने बजे खेला जाएगा। अब बात करते हैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए 2024 में भारतीय स्क्वाड, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपका कुछ नहीं जाता है। दोस्तों आपको पता था कि अभी फिलहाल टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट सीरीज खेल रहा है जो करीब 1.5 महीना चलेगा, उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा और आईपीएल होते होते टी20 वर्ल्ड कप 2024 चालू हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ 2024 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड। तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा कप्तान करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो रोहित शर्मा काफी शानदार लय से कप्तान करते हैं। आप सबने तो देखा होगा 2023 वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा कैसे शानदार लय से कप्तान कर रहे थे। हालांकि फाइनल मैच में रोहित शर्मा हार गए, लेकिन लगातार 10 मैच काफी शानदार लय से कप्तान करते हुए मैच भी जीते थे। और ऐसे में देखा जाए तो रोहित शर्मा आते ही काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाज करते हैं, वो काफी शानदार से और तेजी से रन बनाते हैं और चौके छक्के की बारिश लगा लेते हैं। और आप सबने अफगानिस्तान के खिलाफ तो देखा होगा कैसे शानदार लय से शतक लगाए थे, और हम आशा करते हैं कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में वो ऐसे ही काफी शानदार लय से बैटिंग करेंगे और 2024 टी20 वर्ल्ड कप का कप भी जिता के दिखाएंगे। जबकि नंबर 2 पर विराट कोहली को खेलने का मौका मिला है। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली को भी खेलने का मौका मिला है। और देखा जाए तो विराट कोहली भी काफी शानदार लय से बल्लेबाज करते हुए अंत में आकर चौके छक्के की बारिश लगा लेते हैं। आप सबने तो 2023 वर्ल्ड कप देखा होगा, पाकिस्तान के खिलाफ वो 82 पारी किसी ने भी नहीं भुला होगा, जैसे शानदार लय से बैटिंग करते हुए अपने टीम को जीत दिलाया था। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आता है तो विराट कोहली अकेले ही खड़ा होकर गेम को फिनिश करते हैं, और हम आशा करते हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप में वो विराट कोहली ऐसे ही खेलते हुए गेम को फिनिश करके ट्रॉफी भी जिताएंगे। ऐसे ही नंबर 3 पर मौका मिला है शुभमन गिल को। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल भी काफी शानदार लय से बल्लेबाज करते हैं, वो टी20 वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में काफी शानदार लय से बल्लेबाज करते हैं। हालांकि अभी कुछ महीने से शुभमन गिल की बैट से कुछ खास रन नहीं निकला है, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को खेलने का मौका मिला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में शुभमन गिल कैसे खेलते हैं। जबकि नंबर 4 पर मौका मिला है यशस्वी जायसवाल को। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल काफी शानदार लय से बल्लेबाज करते, वो आते ही चार्ज करते, चौका चौका की झड़ी लगा लेते हैं। हालांकि जल्दी जल्दी खेलने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल काफी बार आउट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल काफी शानदार लय से बल्लेबाज करते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल किस तरह खेलते हैं। जबकि नंबर 5 में सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव काफी शानदार लय से बल्लेबाज करते हुए 360 डिग्री शॉट लगाते हैं, और देखा जाए तो इतने टाइम से सूर्य कुमार यादव टी20 में नंबर 1 बैट्समैन बने हुए हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव वनडे और टेस्ट में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन टी20 देखते ही काफी ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाज करते हैं। अब ऐसे में ये बात 100% कंफर्म है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार खेलते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में ही नंबर 6 पर मौका मिला है विकेट कीपर बैट्समैन संजू सैमसन को। जी हां दोस्तों, फाइनली 2024 टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीसीसीआई ने संजू सैमसन को भारतीय टीम में खेलने के लिए उतना मौका नहीं देते, लेकिन फाइनली बीसीसीआई ने संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में खेलने का मौका दिया है। और ऐसे में देखा जाए तो संजू सैमसन काफी शानदार लय से बल्लेबाजी करते हैं, वो पार्टनरशिप बनाते हैं। आप सबने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो तीसरा ओडीआई मैच तो देखा होगा किस तरह
तरह बल्लेबाज किया था संजू सैमसन और शतक भी लगाया था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में संजू सैमसन किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। जबकि नंबर 7 पर मौका मिला है केएल राहुल को। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने केएल राहुल को मौका दिया है, क्योंकि कोई भी स्क्वाड में कम से कम 2 विकेट कीपर होना जरूरी है। इसी बात का ध्यान रखते हुए बीसीसीआई ने केएल राहुल को मौका दिया है। और ओवरऑल देखा जाए तो केएल राहुल का भी शानदार ले से बल्लेबाजी करते हैं और साझेदारी बनाते हैं। आप सबने 2023 वर्ल्ड कप तो देखा हुआ, केएल राहुल किस तरह शानदार ले से कीपरिंग किए थे और काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए शतक भी लगाए थे। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में केएल राहुल किस तरह खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसे ही नंबर 8 पर मौका मिला है फिनिशर किंग रिंकू सिंह को। जी हां दोस्तों, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में नंबर 8 पर रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे। जी हां दोस्तों, रिंकू सिंह भी काफी ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाज करते हुए गेम को फिनिश करते हैं और जब भी जरूरत पड़ता है रिंकू सिंह काफी शानदार लय से पार्टनरशिप बनाते हुए अंत में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाज करते हुए गेम को फिनिश करते हैं। अब ऐसे में 2024 टी20 वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह फिनिशर का भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और हम आशा करते हैं कि रिंकू सिंह काफी शानदार लय से बल्लेबाज करते हुए गेम को फिनिश भी करेंगे। जबकि नंबर 9 पर मौका मिला है बैटिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भी काफी शानदार लय से बल्लेबाज और गेंदबाज भी करते हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या भी चोट के चलते टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी वो टीम से जुड़ जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो हार्दिक पांड्या बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही काफी शानदार लय से करते हैं और हम आशा करते हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या काफी शानदार लय से बैटिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। अब ऐसे ही नंबर 10 पर मौका मिला है बॉलिंग ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को। जी हां दोस्तों, 2024 टी20 वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका मिला है। ओवरऑल देखा जाए तो रविंद्र जडेजा बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों में काफी शानदार लय से प्रदर्शन करते हैं। हालांकि देखा जाए तो रविंद्र कुछ टाइम से कुछ खास प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने रविंद्र जडेजा को खेलने का मौका दिया है। हम आशा करते हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जबकि नंबर 11 पर मौका मिला है बैटिंग ऑलराउंडर अक्षर पटेल को। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अक्षर पटेल को खेलने का मौका मिला है। देखा जाए तो अक्षर पटेल काफी शानदार लय से स्पिन गेंदबाजी करते हैं और जरूरत समय पर बैटिंग भी कर लेते हैं। और देखा जाए तो खास टी20 में अक्षर पटेल काफी शानदार लय से गेंदबाज करते हुए विकेट भी चटाते हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल किस तरह प्रदर्शन करते हैं। जबकि नंबर 11 पर मौका मिला है वार्कर किंग जसप्रीत बुमराह को। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह काफी शानदार लय से गेंदबाज करते हैं और देखा जाए जसप्रीत बुमराह काफी शानदार लय से वार्कर भी डालते हैं और जरूरत समय पर अंत में आकर गेंदबाज कर अपनी टीम को जीत भी दिलाते हैं। और हम आशा करते हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह काफी शानदार लय से प्रदर्शन करेंगे। अब ऐसे ही नंबर 12 पर मौका मिला है द चाइनामैन कुलदीप यादव को। जी हां दोस्तों, कुलदीप यादव भी काफी शानदार लय से गेंदबाज करते हैं और स्विंग कराते हुए विकेट भी चटाते हैं और हम आशा करते हैं 2024 टी20 वर्ल्ड कप में कुलदीप यादव काफी शानदार लय से प्रदर्शन करते हुए विकेट भी चटाएंगे। जबकि नंबर 13 पर मौका मिला है मोहम्मद शमी को। जी हां दोस्तों, मोहम्मद शमी भी काफी शानदार लय से गेंदबाज करते हैं और जरूरत समय पर विकेट भी चटाते हैं। आप सबने 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप तो देखा होगा मोहम्मद शमी की तरह शानदार लय से गेंदबाज किया था। मोहम्मद शमी पावर प्ले में स्विंग करते हुए विकेट चटाते हैं और अंत में आकर वर्कर डालते हैं। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगी 2024 टी20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी किस तरह प्रदर्शन करते हैं। अब ऐसे ही नंबर 14 पर मौका मिला है मियां म्यूजिक मोहम्मद सिराज को। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज भी काफी शानदार लय से बॉलिंग करते हुए पावर प्ले में विकेट लेते हैं। हालांकि मोहम्मद सिराज कभी कभी बुरी तरह पिट जाते हैं, लेकिन फिर भी बीसीसीआई ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद सिराज को मौका मिला है। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मोहम्मद सिराज 2024 टी20 वर्ल्ड कप में किस तरह प्रदर्शन करते हैं। फाइनली नंबर 15 पर मौका मिला है अर्षदीप सिंह को। जी हां दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अर्षदीप खेलते हुए नजर आएंगे और देखा जाए तो अर्षदीप सिंह पावर प्ले में काफी शानदार लय से स्विम करते हुए विकेट लेते हैं और डेथ ओवर में आकर वर्कर करने के लिए जाने जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो अर्षदीप सिंह काफी शानदार लय से गेंदबाज करते हैं और हम आशा करते हैं कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अर्षदीप सिंह काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये रहा टी20 वर्ल्ड कप 2024 में होने वाले भारतीय फाइनल स्क्वाड। और आपको क्या लगता है दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया जीतने में सफल हो पाएगा? और आप रोहित शर्मा या विराट कोहली, इन दोनों में से किससे महान बल्लेबाज मानते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।